हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिहानास रेसिपीज। आज हम बच्चों का फेवरेट चॉकलेट केक बनाएंगे बिना ओवन के। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी जरूर ट्राई करके देखिए। रेसिपी को एंड तक देखिए ताकि आप भी बिना डाउट के बना सके। फिर किस बात की देरी फ्रेंड्स, चलो रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेप है, एक ट्रे ले लीजिए, बेकिंग ट्रे। उसको हम एक बटर पेपर लेके ये ट्रे को अच्छे से आयल से ग्रीस कर लेंगे, साइड में रख देंगे। एक मिक्सिंग बाउल लेके उसमें 3 अंडे फोड़ के डाल देंगे। अब ये 3 अंडों को फोड़ के डाल देंगे। अब ये डालने के बाद आधा कप जितना पाउडर चीनी ले लीजिए। चीनी को मिक्सर जार में डाल के पाउडर बना लीजिए। अब आधा कप जितना ऑयल ऐड कर लेंगे, ऑयल या बटर घी ऐड कर लेंगे। अब ये अच्छा सा मिक्स कर देंगे मिक्स होने तक। अब ये अच्छा सा मिक्स करने के बाद 1/2 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस ऐड कर लेंगे। अंडे डालने से थोड़ा सा वेनिला एसेंस ज्यादा ही डालना पड़ेगा। अभी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी मिक्स करने के बाद एक छन्नी ले लीजिए। वे छन्नी में मैदा ऐड कर लेंगे, 3/4 कप जितना मैदा। 2 से 3 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर ऐड कर लेंगे। मेजरमेंट सारे करेक्ट ले लीजिए। 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा ऐड करके अभी अच्छा सा छान लेंगे इस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अभी अच्छे से छानने के बाद ये मिक्स कर लेंगे, ये अच्छे से मिक्स होने तक। वे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होने तक मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, केक का बैटर बन गया है। ये ट्रे में ऐड कर लेंगे केक का बैटर को, हम ग्रीस करके रखे हुए ऑयल से बटर पेपर डाल के। अभी ट्रे में ऐड करने के बाद ये काढ़ी लेके इसी तरह मिक्स कर देंगे ताकि एयर बबल्स हो निकल जा सके। एक बार टैप कर लीजिए। अब ऊपर से थोड़े से काजू, अब मनचाहे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। अब एक पैन में मैं थोड़ा सा नमक ले ली थी, ये मैं यूज़ करके रखी हुई है। ये नमक कभी भी बेक करेगी तो यही नमक यूज़ करती हूँ मैं। ये नमक को निकाल के फिर दोबारा से डाल के रख दूंगी कभी भी बनाना चाहे तो। अब इसमें एक स्टैंड रख देंगे, अब ढक देंगे। ये होल है इसको कवर कर देंगे। गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रख के 5 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दीजिए। अब बैटर केक का बनाने के पहले ही प्री हीट करने के लिए रखेंगे तो लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए रख दीजिए। अभी अच्छे से प्री हीट हो गया है पैन, ढक्कन निकाल के सावधानी से एक केक का टिन रख देंगे। सावधानी से रख दीजिए, बहुत गर्म है। अभी ढक के 30 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख के केक अच्छा सा बेक होने तक बेक कर देंगे। ढक्कन को बीच बीच में निकाल के नहीं देखना है, 40 मिनट के बाद ही हम ढक्कन निकाल लेंगे। ये 40 मिनट हो गए ही, बेचक्कर लेंगे एक टूथपिक लेके, अब इसको इसी तरह चुबा के देखेंगे तो ये बिल्कुल देखो बैटर ये स्टिक को नहीं लगा हुआ है। अब एक केक अच्छा सा बेक हो गया है। आपका केक नहीं बेक हुआ तो और थोड़ी देर रख के बेक कर लीजिए अच्छा सा बेक होने तक। अब गैस को ऑफ करके इसमें ही 5 मिनट तक रख देंगे। मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं अपलोड करेगी तो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। 5 मिनट के बाद पैन से निकाल के ट्रे को केक को साइड से चाकू से निकाल दीजिए। अभी पलट देंगे, देखो अभी केक आसानी से निकल गया है। अभी बटर पेपर को निकाल लेंगे, बनके तैयार हो गया है यम्मी चॉकलेट केक। बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैं कट करके भी दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट बना हुआ है केक। अब ज़रूर ट्राई करके देखिए ये यम्मी केक को। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कैसी लगी कि मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ।